आजकल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको आंवला नवमी पर आंवले से जुड़े बेहद आसान, अचूक और असरदार उपाय बता रहे हैं। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और पंडित जी से अब जानते हैं आंवले के पेड़ की पूजा के बारे में, कैसे करनी चाहिए पूजा और क्या करना चाहिए उपाय। पंडित जी बताइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके अर्थात आंवले के पेड़ से पश्चिम दिशा में बैठ के आंवले के पेड़ की पूजा आपको प्रारंभ करनी चाहिए। आंवले के पेड़ की जड़ में ओम धात्रेय नमः इस मंत्र का जप करते हुए जल और दूध अर्पित करना चाहिए। पितरों का तर्पण भी करना चाहिए। पेड़ पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह अनामिका उंगली से बनाना चाहिए। आंवले के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत ढीला ही लपेटना चाहिए। आंवला नवमी की कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कपूर या घी से आंवले के पेड़ की आरती करनी चाहिए और आंवले के पेड़ की क्लॉकवाइज 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए। इसके बाद किसी विद्वान वेदपाठी ब्राह्मण को या जरूरतमंद व्यक्ति को आंवले के पेड़ के नीचे उत्तर या पूर्व मुंह बैठा करके उन्हें बढ़िया सुंदर भोजन पवाना चाहिए। आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कनकधारा और श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। आज जो महिलाएं आंवले के नीचे श्री सूक्त और कनकधारा स्त्रोत का पाठ कर लेंगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं उनके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होगा। जो पुण्य आज आपको किसी सिद्धपीठ में जाकर के देवी के सामने पूजा करने से मिलेगा, वही पुण्य आज आपको आंवला के पेड़ के सानिध्य में प्राप्त होगा। आंवला नवमी के दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग लगाएं। आज के दिन आंवला दान करने से भी लाभ मिलता है। आंवले के पेड़ के नीचे भूखे व्यक्ति को बिठाकर भोजन कराना चाहिए और आज के दिन पूरे परिवार को किसी न किसी रूप में आंवले का सेवन जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जय माँ विंध्यवासिनी।